माने पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत ने कहा केस में सजा बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का निकाह केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं है, हमारे लीडर्स और असिरान की रिहाई तक किसी से बातचीत नहीं होगी। JUI अमीर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अजम इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हुई। ऑपरेशन का ऐलान वक्ती इश्तआल और उजलत में किया गया। रियासत के मामलात धमकियों से तय नहीं होते, मुसलह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तेफाक हुआ था, ये सब क्यों खत्म किया गया। बजट के तहत पेंशन स्कीम में तब्दीलियों की तफसील सामने आ गई। पेंशनर की वफात के सिर्फ 10 साल बाद तक फैमिली को पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर मुलाजिम सिर्फ एक महकमे से पेंशन का हकदार होगा। IMF से मुशावरत के बाद अखराजात कम करने के लिए ये तजावीज तैयार की गई हैं। और T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के दरमियान सेमीफाइनल मैच से पहले गयाना में बारिश, ग्राउंड खुश्क करने का सिलसिला जारी। टॉस में ताखीर, शायकीन को मैच शुरू होने का बेचैनी से इंतजार है।